तो आप भरोसा करते आए हैं सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। इसी भरोसे को कायम रखने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं निवेश के कुछ ऐसे मौके जो आपको बजट के मद्देनजर दे सकते हैं दमदार मुनाफा। यानी बजट हो कैसा भी, आपकी कमाई पक्की। नमस्कार, मैं हूं मुग्धा मिश्रा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी बजट प्लानिंग कुछ बेहतरीन प्री बजट पिक्स के साथ। इस खास शो में हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जॉइंट रे कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर भी होंगे और रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा भी जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, इस बार जब इलेक्शन के बाद, गुजरात इलेक्शन के बाद, अब यही बातें चल रही थी कि ये शायद पॉपुलिस्ट बजट होगा, रिफॉर्म्स पर कम फोकस होगा। आपका क्या असेसमेंट है, क्या एग्रीकल्चर को वाकई ज़्यादा पुश मिलने वाला है? देखिए, डेफिनेटली ये बजट जो है एग्रीकल्चर पे फोकस करेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेगा और इस तरह की बहुत सारी थीम्स है। इवन जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मैट रिलैक्सेशन वगैरह है, ऐसी चीज़ों पे फोकस करेगा क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस एक्टिविटी बढ़े और साथ ही साथ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और लोगों को फायदा हो। अविनाश, आपकी राय में कैसा रह सकता है ये बजट, ओवरऑल थीम क्या रहेगी? मुझे लग रहा है कि आई थिंक इस बजट में एक रूरल थीम ज़रूर देखने को मिलेगा। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक सेक्टर है जहां पे बहुत यू नो फोकस और काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं, बट रूरल थीम इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने ऑलरेडी कहा है कि वो किसानों का इनकम जो है वो अगले 2-3 साल में डबल करना चाहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नए जरिया इनके लिए ढूंढने की कोशिश हो रही है और ऑब्वियसली जो एग्री रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स और थीम्स है वहाँ पे मुझे लग रहा है कि शायद और भी थोड़े फिस्कल इंसेंटिव्स इस बजट में आ सकते हैं। तो ओवरऑल इट विल बी अ बैलेंस्ड बजट, बट रूरल और इंफ्रा ये दोनों ही थीम्स आपको इस बजट में विजिबल रहेंगे। तो अविनाश, क्या आपने इन्हीं थीम के आसपास बजट पिक्स भी चुनी है? कौन सी होगी आपकी पहली पिक? इनफैक्ट पहली पिक एक एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में से है। इनफैक्ट ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी ने क्लियरली कहा था कि जो फार्मर की इनकम है उसको बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री को वो बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस सेक्टर में हम लासा सुपर जेनरिक्स पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू है। इस कंपनी का जो लिस्टिंग हुआ है वो करीबन सेप्टेम्बर में हुआ है और ये बेसिकली APIs बनाती है जो बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट्स में जाती है। कंपनी का टर्नओवर काफ़ी छोटा है, करीबन 200 करोड़ है और कंपनी ने लास्ट ईयर करीबन 24-25% के EBITDA मार्जिन भी मेंटेन किए थे। इनफैक्ट कंपनी ने जो पहला तिमाही, जो फर्स्ट 6 मंथ्स का जो परफॉर्मेंस दिखाया वो काफ़ी बेहतरीन है। करीबन 125 करोड़ की टॉप लाइन पे इन्होंने करीबन 43 करोड़ की EBITDA और 16 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है और आने वाले साल में हमको लग रहा है कि कम से कम 11-12 रुपये की अर्निंग्स आएगी और उसके बाद FY19 की अगर हम बात करें तो कम से कम 15-16 रुपये की अर्निंग्स आने की एक्सपेक्टेशन है। कंपनी ने मार्जिन पे और टॉप लाइन पे काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी है और हमको लग रहा है कि अगर हम सीक्वेंट या हेस्टर बायो या टिपिकल एनजीएल फैन जैसे स्टॉक्स को देखें तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्टेबल है। करीबन यू नो अगर हम FY19 और 20 की अर्निंग्स ग्रोथ देखें तो करीबन 10 से 12 और करीबन 10 के नीचे के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। तो ये डेफिनेटली स्टॉक कम से कम नेक्स्ट 12 मंथ्स में अच्छी रिटर्न दे सकता है। हमारा यहाँ पर नज़रिया करीबन 240-250 का है। लासा सुपर जेनरिक्स ये पहली पिक निकल कर आई है जहां पर सरकार फोकस कर सकती है और इसकी वजह से आप भी यहां पर दाव लगा सकते हैं। लक्ष्य यहां पर 240 का देख रहे हैं अविनाश। लेकिन शर्मा जी, आपको क्या लगता है कौन सी पिक होनी चाहिए सबसे पहले और कौन से सेक्टर्स पर आप ज़्यादा फोकस करने की योजना बना रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का बड़ा फोकस जो है अफोर्डेबल हाउसिंग पे रहेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम में जो उन्होंने पिछले बजट में जो रिलैक्सेशंस दिए थे, जो इंसेंटिव्स दिए थे, चाहे वो डेवलपर के लिए टैक्स एग्जम्पशन हो या GST कम करना हो या जो इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी है मेनली जो है वो हो, उसके कारण जो है ऑलरेडी इस मामले में ग्रोथ हो रही है।
लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले बजट के अंदर गवर्नमेंट को बिग वे में जो है इंटरेस्ट रेट पे सब्सिडी का एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर डिमांड भी काफ़ी अच्छी है और गवर्नमेंट को पोटेंशियल लग रहा है। उसके कारण हाउसिंग जो है वो गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कर पाएगी, और साथ ही साथ इसके कारण रोजगार भी अवेलेबल होगा। और यहाँ जो कंपनी मुझे पसंद है वो हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र की है, कंपनी ऐसी जो इस कैटेगरी के जो लोन्स हैं उनमें जो है मेनली एक्टिव है, और ये है दीवान हाउसिंग फाइनेंस। दीवान हाउसिंग फाइनेंस की जो एवरेज लोन की टिकट साइज है वो 20 से 22 लाख रुपया है, और यानी कि इस तरीके के लो और मीडियम वर्ग के जो मकान बनते हैं उनके लिए वो लोन देती है, और टायर टू और टायर थ्री सिटीज़ में ये मेनली एक्टिव है। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है, अभी जो दिसंबर की क्वार्टर की परफॉर्मेंस आई है वो भी ज़बरदस्त है। साथ ही साथ इस क्वार्टर में जो इंडिकेशंस आए हैं कि सैंक्शंस जो है 75% बढ़ी है, डिसबर्समेंट्स 54% बढ़े हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि आगे जाकर भी इसकी ग्रोथ जो है बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है और ये सस्टेन करने वाली है। और साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग पे अगले साल और जो फोकस आएगा उससे इसकी ग्रोथ रेट और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और इन सब को देखते हुए इसकी डिस्काउंटिंग बहुत रीजनेबल है। FY20 की 10 की PPE अवेलेबल है और 1.7 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे अवेलेबल है, तो मैं समझता हूँ बहुत अट्रैक्टिव है। सभी इस तरह के जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ उसमें अट्रैक्टिव है, और इसका 12 महीने का मेरा प्राइस टारगेट जो है वो 750 रुपये का है। तो करीब करीब 30% का रिटर्न यहाँ पर दीवान हाउसिंग में आगे दिख सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग ज़रूर रहेगा फोकस में और उसका फ़ायदा दीवान हाउसिंग को मिलेगा। संदीप, आपकी तरफ से कौन सी होगी पहली पिक? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में सर्टेनली रूरल थीम, अफोर्डेबल हाउसिंग थीम, बिल्डिंग मटेरियल्स जो रूरल मार्केट्स को कैटर करते हैं, फर्टिलाइजर्स काफ़ी बार हमने रेकमेंड किया है, अफोर्डेबल में फर्टिलाइजर में हो या बिल्डिंग मटेरियल्स में हो, इन शेयर्स में जैसे कि रैमको, विशाखा, एवरेस्ट, हैदराबाद इंडस्ट्रीज, ये सब रेकमेंड किया। और SEZs को लेकर सरकार इस बार मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हो सकता है कि वहाँ पे भी बहुत सारे मेजर्स लाए, जैसे कि महिंद्रा लाइफ स्पेसेस मैंने कुछ ही दिन पहले दिया था, तो उन सबको हटकर मैंने इस बार सोचा कि मैं एग्री केमिकल्स या जो एग्री थीम पे ही चलूंगा। तो मोनसेंटो इंडिया, इनफैक्ट ये देखिए पिछले 3 साल में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बट ये स्टॉक नेगेटिव 19% का रिटर्न दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में जो भी खराबियां थी वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो रही है, और जिस तरीके से लास्ट ईयर की अगर EBITDA ग्रोथ और नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो करीब 42-43% का था। कंपनी के जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो करीब 32%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 31%। ये सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए मुझे लगता है कि इस स्टॉक में सर्टनली बहुत दमखम है यहाँ से, और करीब 3050 बहुत जल्द ही है। वैसे तो मैंने 6 से 9 महीने की अवधि दिया, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 से 6 महीने या बजट के आसपास एक बहुत बड़ी रैली दिखा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो मॉनसेंटो एक और एग्री स्पेस का काउंटर जहां पर आपको लगता है, संदीप को लगता है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे देखने को मिल सकती है। शर्मा जी, आपने बताया यहां पर आपको दीवान हाउसिंग पसंद है, इसके अलावा कौन सी ऐसी पिक है जो पर आपको लगता है बजट से पहले खरीद कर रख लेना चाहिए, अगले लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देगी? देखिए, दूसरा ऐसा क्षेत्र जहां गवर्नमेंट का फोकस रहेगा वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं समझता हूं गवर्नमेंट काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी, क्योंकि एक तो जो EPC कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां कंस्ट्रक्शन भी होता है साथ में सिविल कंस्ट्रक्शन, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी होता है, और इस फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ी लेकिन वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर एक कंपनी है, वो है HCC। HCC 100 साल पुरानी कंपनी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेज पर है, जहां मैं समझता हूं आने वाले सालों में इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त हो सकती है। इसके पास ऑलरेडी करीब 25,000 करोड़ के ऑर्डर हाथ में है, और जो इश्यूज थे इसके गवर्नमेंट से रिसीवेबल्स हैं इसके बहुत बड़े 10,000 करोड़ के, उसमें से मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक जो है 2,500-3,000 करोड़ के रिसीवेबल जो है उसको आने वाले साल में मिल जाएंगे, और उसके कारण जो है एग्जीक्यूशन काफ़ी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ कंपनी के पास अपना खुद का फ्लीट है इक्विपमेंट्स का, जिसके कारण इसके मार्जिन जो है बेहतर होते जाते हैं, और जो ये पैसा आएगा वो ये डेट रिपेमेंट में काम मिलेगी, और इसके कारण लीवरेज बहुत कम हो जाएगा आने वाले सालों में। लीवरेज कम होने से भी आगे जाकर के एग्जीक्यूशन और बढ़ेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ ये कंपनी जो है एक स्वीट स्पॉट में है, और करंट प्राइस से 12 महीने में ये जो है करीब करीब अपने SOTP वॉल्यूशन जो कि 70 रुपये के आसपास है वहां तक बहुत आसानी से जा सकती है। ओके, तो अभी तक हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया है लासा सुपर जेनेरिक्स, ये एक एनिमल हस्बेंड्री क्षेत्र की कंपनी है,
सरकार का फोकस रहेगा इस बार रूरल इकोनॉमी पर, फार्मर्स इनकम बढ़ाने पर, जिसकी वजह से इसको फायदा मिल सकता है। 240 रुपए का टारगेट यहां पर अविनाश देख रहे हैं। इसके साथ साथ शर्मा जी ने रिकमेंड किए हैं दीवान हाउसिंग और HCC। दीवान हाउसिंग के लिए 750 रुपए का टारगेट है, HCC के लिए 70 रुपए का टारगेट है। बेहतरीन रिटर्न यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। और वहीं संदीप को पसंद है मॉन्सेंटो, यहाँ पर उन्हें लगता है 3050 के लेवल आप अगले 6 से 9 महीने में देख सकते हैं। अभी बजट के पहले कुछ और पिक्स बाकी हैं, लेकिन वो लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बजट के पहले बजट के लिए सॉलिड पिक्स लेकर आए हैं हम इस खास शो में। हमारे साथ ट्रेडसर ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन, जॉइंट रे कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर और रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा जुड़े हुए हैं। अविनाश, आपसे अगली पिक जानना चाहूंगी, कौन से स्पेस से है, कितना रिटर्न दे सकती है? अगला स्टॉक जो हमको पसंद है वो बेसिकली फिनोलिक्स इंडस्ट्रीज़ है। ये कंपनी इंडिया के सबसे बड़ी PVC पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसकी जो खास बात है ये है कि इसका जो इनपुट है दैट इज़ PVC, ये खुद बनाती है, इसका PVC प्लांट भी है। तो बेसिकली इनका रॉ मटेरियल का कोई इनके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए एक इंटीग्रेटेड कैपेसिटी होने के कारण इनके लिए एक प्रोसेस मैन्युफैक्चर करने का काफ़ी सिंपल है। इनफैक्ट इस कंपनी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 साल से दिखाया है। इनफैक्ट इस साल में भी डिस्पाइट डीमोनेटाइजेशन और GST का इम्पैक्ट आने के बावजूद वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक है। कंपनी ने यह भी कहा है कि FY19 में जो ग्रोथ वॉल्यूम आएगा वो 14-15% होगा। और PVC पाइप्स में हमने देखा है कि ज़्यादातर ग्रोथ रूरल सेक्टर में काफ़ी जोर से हुआ है। कैपेसिटी भी ये कंपनी करीबन इस साल 50,000 टन से बढ़ा रही है, और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कंपनी ने करीबन अपनी डेट ओवरऑल 150 करोड़ तक लाई है। आने वाले 2 साल में वो कंप्लीटली डेट फ्री होने की बात कर रही है, तो ये डेफिनेटली कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। और होपफुली हमको लग रहा है GST का इम्पैक्ट कंपनी को FY19 में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिवली, क्योंकि काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर प्लेयर है जो ऑब्वियसली प्राइस कॉम्पिटिटिव है, लेकिन अभी GST आने के बाद अभी नहीं रहेंगे। तो ओवरऑल अगर किसी को नेक्स्ट 12 मंथ्स का नजरिया लेना है तो हमको लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ और टॉप लाइन ग्रोथ दोनों ही FY19 और FY20 में ठीक ठाक रहेगी। प्लस बजट में भी हमको लग रहा है कि PVC पाइप्स को लेके डेफिनेटली इरिगेशन जो सेक्टर है इसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स आएंगे, और इनडायरेक्टली फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी फायदा होगा। तो एक साल के नज़रिए से यहाँ पे जरूर इन्वेस्टर्स इसको कंसिडर कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस करीबन 750 है। ओके, तो अगले एक साल के लिए 750 के टारगेट के लिए फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज खरीदी जा सकती है। रॉ मटेरियल की कीमतें जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड है इसलिए असर थोड़ा कम होगा, मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। संदीप, आपकी राय में नेक्स्ट स्टॉक कौन सा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट में सरकार कहीं ना कहीं PSUs की स्ट्रेंथनिंग को लेकर बहुत ध्यान देगी, क्योंकि उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना और अच्छे टारगेट्स अचीव करने हैं फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी कंपनी है बामर लॉरी, और सिर्फ 2800 करोड़ की मार्केट कैप है और 250 करोड़ का सालाना पैट है, 2000 करोड़ का टर्नओवर है, और एक तरीके से ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में है। तो देखा जाए तो करीब 8-10 प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, जिसमें से लॉजिस्टिक्स है, स्टील बैरल्स बनाती है, ऑयल एक्सप्लोरेशन सर्विसेज में भी है, फिर कुछ लुब्रिकेंट्स भी बनाती है, कॉरपोरेट ट्रैवल सर्विसेज में है, और मिनी रत्ना कैटेगरी मिनी रत्ना 1 स्टेटस दिया हुआ है इसको सरकार ने। तो मुझे और करीब 150 साल से ये कंपनी काम कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि खास बात यह है कि पिछले एक साल में सिर्फ 9% बढ़ा है ये स्टॉक। तो इसीलिए जो मिड कैप्स में जो करेक्शन आया उसमें ये भी करेक्ट हुआ है, और बहुत ज़्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जीरो डेट कंपनी है, और डिविडेंड यील्ड करीब 2.86% का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 22% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 16-17% की है, और करीब 15-16 के पी मल्टीपल पे ये स्टॉक काम कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जीरो डेट कंपनी इतने सस्ते पी मल्टीपल पे इतना बेहतरीन गैमूट ऑफ सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में है, और मिनी रत्ना स्टेटस है, इन सबको देखते हुए लगता है कि ये बहुत आराम से 325 का टारगेट 6-9 महीने की अवधि में अचीव कर सकता है। तो बाबर लॉरी पसंद है यहाँ पर, ये बेहतरीन रिटर्न दे सकती है अगले 6-9 महीने में ही। शर्मा जी, आप 3 पिक्स लेकर आए हैं, एक और पिक बाकी है, कौन सी है वो? देखिए, गवर्नमेंट को इस बजट में एग्री के अलावा, इंफ्रा के अलावा इंडस्ट्री को भी पुश देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को भी पुश देना पड़ेगा, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत पॉसिबिलिटी है
कि गवर्नमेंट जो है एक तो कॉरपोरेट रेट टैक्स रेट है वो इन जनरल थोड़ा कम करे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो मुझे लगता है कि पक्का होना है वो है कि मैट के अंदर, मैट की टैक्स रेट के अंदर जो है रिलैक्सेशन आए, और विशेष रूप से SEZ के लिए जो मैट है उसमें रिलैक्सेशन आए, ताकि एक्सपोर्ट पुश जो अटक गया था पिछले कई सालों से SEZ के ऊपर टैक्स विड्रॉ करने के कारण, तो वो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट डेफिनेटली पुश करेगी। और SEZ पे अगर मैट रेट है कम होती है या सब्सटेंशियली रिड्यूस होती है, तो मैं समझता हूँ कि अडानी पोर्ट जैसी कंपनी जिसके पास मुंदड़ा में बहुत बड़ा SEZ है, मैं समझता हूँ वन ऑफ दी लार्जेस्ट SEZ होगा, उसको बहुत फायदा होगा। और साथ ही साथ अदरवाइज भी अडानी पोर्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अडानी पोर्ट के वॉल्यूम्स जो है कंटेनर कार्गो के लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, लेटेस्ट क्वार्टर में भी इंप्रूव हुए हैं, साथ ही साथ उन्होंने फोरकास्ट भी किया कि आगे जाकर पे भी इंप्रूव होते रहेंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लगातार बढ़ रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वैल्यूएशंस है वो बहुत रीजनेबल है। मैं समझता हूँ ये कंपनी बहुत इजीली जो है 12 महीने में 600 रुपये तक का टारगेट आपको दिखा सकती है। ट्रेड बढ़ेगा और उसका फायदा मिलेगा अदानी पोर्ट को, और इसीलिए 600 रुपए का टारगेट देख रहे हैं यहाँ पर DD शर्मा, उन्हें लगता है बेहतरीन रिटर्न ये अगले एक साल में देखा जा सकती है। तो चलिए हम रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और स्टॉक्स लेकर आएंगे जो आपको बजट विशलिस्ट या फिर बजट निवेश में शामिल होने चाहिए इस ब्रेक के बाद। बजट के पहले आपके लिए निवेश के मौके ढूंढ रहे हैं हम इस खास शो में, और इस खास शो में हमारे साथ शामिल हैं 3 एक्सपर्ट, DD शर्मा, अविनाश कोरक्षकर और संदीप जैन। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी आपकी नेक्स्ट पिक। आयन एक्सचेंज, ये स्टॉक वाटर ट्रीटमेंट और एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस में है, और मुझे ऐसा लगता कि सरकार इस पर्टिकुलर सेक्टर पे भी काफी कुछ इनिशिएटिव्स ला सकती है। और खास बात यह कि ये कंपनी 1,00,000 इंस्टॉलेशन से ज़्यादा कर रखी है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की, और कई जो इस बार बजट में जो बेनिफिशियरी सेक्टर्स रहेंगे जैसे कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, इन सब में इस कंपनी के एक्टिव इंस्टॉलेशंस है, और मुझे लगता है कि उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और ख़ास बात यह है कि ये स्टॉक का कल क्वार्टरली रिजल्ट भी था और बहुत अच्छे क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। सिर्फ 800 करोड़ की कंपनी है, बट एक तरीके से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, करीब 5 डिकेड से 50 सालों से कार्यरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस सेक्टर में है ये एक तरीके से बहुत कम कंपनीज है इस लेवल पे काम करने वाली, और अफ्रीका, जापान, मिडिल ईस्ट, रशिया और US, इन सारी कंपनीज में कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक इंटरनेशनल लेवल की कंपनी 800 करोड़ के मार्केट कैप पे मिलती है, और जिसकी अगर आप कैगर की बात करें, 3 साल का कैगर, नेट प्रॉफिट कैगर जो है करीब 85% का था, EBITDA ग्रोथ करीब 35% का था, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी करीब 24% की। इन सारे फंडामेंटल्स को देखता हूं तो मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा कंफर्ट देता है। और अगर खास बात एक और है कि पिछले 6 महीने में ये स्टॉक 11% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मार्केट इतना चला हुआ है बट ये स्टॉक ओवरऑल बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया मार्केट की तेजी के साथ, तो वो भी एक क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करें 675 के टारगेट के लिए, 6 से 9 महीने की अवधि के लिए। ओके, तो अगले 6 से 9 महीने में 675 तक का टारगेट आयन एक्सचेंज दे सकता है। अविनाश, आपकी तीसरी और आखिरी पिक कौन सी है? मुग्धा, आखिरी पिक हमको जो पसंद है वो ग्रीव्स कॉटन है। ग्रीव्स कॉटन एक वेल एस्टेब्लिश इंजीनियरिंग प्लेयर है जो काफ़ी सिग्निफिकेंटली 3-व्हीलर के पेट्रोल और डीजल इंजन बनाती है, लेकिन अभी हाल ही में कंपनी ने लास्ट 1 ईयर से अपना जो बिजनेस मॉडल है वो रूरल प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा मुड़ा है। इनफैक्ट ये रूरल इंडिया में पम्प्स और जेनसेट्स बनाती है। अभी रिसेंटली इन्होंने टिलर भी के सेगमेंट में अपना एंट्री किया है। इन्होंने हाल ही में बाहुबली नाम का टिलर इंट्रोड्यूस किया है, जहां पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 12 से 18 महीने में अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इनफैक्ट लास्ट ईयर करीबन 1800 करोड़ के टॉप लाइन पे करीबन 245 करोड़ का EBITDA और करीबन 180 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड, डिविडेंड भी अच्छी देती है। करीबन लास्ट ईयर 2 रुपए के डिविडेंड पे 2.75% का डिविडेंड दिया था, तो डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा है। हमको लग रहा है कि टिलर मार्केट में और एग्री मार्केट में जिस प्रकार का कंपनी का फोकस आया है,
होपफुली इस बजट में अगर बजट रिलेटेड रूरल अनाउंसमेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली पंप सेट्स और जो टिलर मार्केट है यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन ऑलरेडी देखने को मिला है, आगे भी देखने को मिलेगा। और प्लस कंपनी की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, वर्चुअली डेट फ्री बिजनेस है, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे नंबर देखे तो ये भी काफ़ी एनकरेजिंग है। और सबसे बड़ी बात, आफ्टर मार्केट सेल्स में अभी ये एंटर कर रहे हैं जहाँ पे मार्जिन 15-20% होते हैं। इनका डीलर नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है, 3000 सर्विस पॉइंट, 1200 डीलर है। तो ये सब देखते हुए हमको लग रहा है कि करंट प्राइस पे का सारे नेगेटिव्स फैक्टर्ड इन है और जो अपसाइड है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो करीबन एक साल का नजरिए से हमारा यहाँ पे टारगेट प्राइस करीबन 208 है। ऑलराइट, तो ये है अविनाश की पिक्स। आपको बता दें उन्हें लासा सुपर जेनेरिक्स पसंद है, 240 का टारगेट अगले एक साल में देख रहे हैं, 40% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर पसंद है, 750 का टारगेट, 15-20% तक का रिटर्न। ग्रीव्स कॉटन पसंद है, 208 रुपये का टारगेट यहाँ पर ग्रीव्स कॉटन के लिए उन्होंने दिया है जो कि 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिखा रहा है। साथ ही डीडी शर्मा को पसंद है दीवान हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस रहेगा सरकार का, इस भरोसे पर 750 का टारगेट देख रहे हैं अगले एक साल में। HCC पसंद है, 70 रुपये का टारगेट यानी कि ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न भी। अदानी पोर्ट 600 का टारगेट, 35% का रिटर्न यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले एक साल में। वहीं संदीप जैन ने अपनी 6-9 महीने की रिटर्न्स दिए हैं, उनको लगता है मोनसेंटो में 3050 का टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगले 6-9 महीने में। बाबर लॉरी पसंद है उन्हें, 325 का टारगेट वहां ये देख रहे हैं, 33% का रिटर्न। आयन एक्सचेंज भी पसंद है 675 के टारगेट के लिए। तो ये है हमारे एक्सपर्ट्स की बजट के पहले वो पिक्स जो कि आपको अगले एक साल में शानदार कमाई करा सकती हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमारे दर्शकों के साथ अपनी पिक्स, अपने व्यूज शेयर करने के लिए। लेकिन इस खास शो में फिलहाल इतना ही, बने रहिए आप CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।